आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। झरिया नगर निगम के द्वारा सफाई कर्मियों का छटनी व बकाया वेतन की मांग को लेकर नुनुडीह शहीद गुरुदास चटर्जी मैदान में एक बैठक का आयोजन मार्क्सिस्ट नेता सबर गोराई ने किया, जिसमें कई क्षेत्रों के वार्ड पार्षद व सफाई कर्मी शामिल हुए। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मौके पर मार्क्सिस्ट नेता सबर गोराई ने कहा कि नगर निगम में सफाई कर्मी जो नाली व सड़क आदि जगह को साफ करते हैं और सफाई कर अपना जीवन यापन करते हैं, उसे भी नगर निगम के द्वारा हटा दिया जाता है, जिससे बहुत से मजदूरों के बीच भुखमरी की स्थिति आ गई है। वहीं बहुत से मजदूरों को हटाकर पैसे नहीं दिए जाते हैं, जिसके विरुद्ध आज बैठक की गई है। इस राज्य में सफाई करने वालों को भी मजदूरी से हटा दिया जाता है। चुनाव होना खत्म हो गया है, पुनः आज बैठक कर लड़ाई शुरुआत किया जाएगा, जिसके विरुद्ध 22 जनवरी 2020 को शहीद गुरुदास चटर्जी मैदान नुनुडीह में लाल झंडे के नेता रहेंगे। उसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी, जिसमें सफाईकर्मी और वार्ड पार्षदों और नेता आदि लोग शामिल रहेंगे, जिसमें आगे का आंदोलन और आगे की लड़ाई को घोषणा की जाएगी। झरिया से मनोज साफ की रिपोर्ट। चुनाव का पहले भी हम लोग नगर निगम में सफाई कर्मी के छटने का हम लोग विरोध में लड़ाई लड़े थे। ये लड़ाई फिर हम लोग पुनः फिर शुरू करेंगे। चुनाव पार हो गया है और सभी विधायक को हम लोग बोलेंगे, वो लोग विधानसभा में उठाए कि बोला थे कि रोजगार देंगे, ये करेंगे, अब रोजगार हम लोग को इन लोग सबको बहाल करें। और निगम में अगर नहीं लोगों को बहाल किया तो हम लोग निगम ऑफिस को घेराव करेंगे। 22 को आएगा हमारा माले विधायक आएगा, अब विधायक अरुण चटर्जी आएगा, ये सारे लोग आएंगे, पूर्णिमा जी आएंगे, विधायक झरिया सारे लोग आएंगे और ये लड़ाई को पुनः हम लोग सैया की लड़ाई और सफाई कर्मी की लड़ाई को हम लोग तेज गति से आगे ले जाएंगे। कि कौन देश है कि नाली सफाई करने का भी नौकरी नहीं है और अच्छा दिन की बात करता है लोग, और उन लोग को कुछ महीना का पेमेंट बाकी है जो आज तक नहीं मिला। नाली सफाई करके किया और उसका पेमेंट भी लोग को नहीं मिला, इसलिए इसका विरोध में लड़ाई हम लोग इलेक्शन के पहले भी किए थे और अभी इलेक्शन के बाद भी लगातार हम लोग लड़ेंगे। आप लोग अति जारी रहेंगे? हम लोग लड़ाई जारी रहेंगे।